अभी तुम जाओ किसी लड़की के घर पे, से फादर से प्रपोजल लेकर, ऐसे बेरोजगार होके जाओ, बहुत मारे लाठी निकाल के तुमको। और सोच कह रहे हो, काम करो, कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूं। एक मिनट से ज्यादा नहीं लगता। कीमत एक्सपीरियंस की होती है। पैसा किनके पास नहीं आता जो बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हैं? पैसा आएगा तो हॉस्पिटल खुलवा देंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। धन, वुमन, मैन, इनके सब बारे में सोचो, ये सब बाई प्रोडक्ट है किसके? पावर के। तुम इसके बारे में सोचो दिन रात। सोचना है इसके बारे में, नहीं सोचना है मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। 15-20 होगी। अभी तुम जाओ किसी लड़की के घर पे, से फादर से प्रपोजल लेकर, ऐसे बेरोजगार होके जाओ, बहुत मारे लाठी निकाल के तुमको। और मां डाले तो कोई डाउट नहीं है, और आईएएस बन के जाओ फर्स्ट रैंक। और अगर उसकी दो बेटी बोलेगा दूसरे से भी कर ले, ले जा। पूछने की बेटा तुमको क्या जरूरत थी? और अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे वो ससुराल वाले सुबह शाम तुम्हारी आरती उतारेंगे, चंदन लगाएंगे, सास मदर इन लॉ आ जाएंगी रात में, तेल लगाएंगे, बेटा बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा, दुर्गा का अवतार है। खूब सोचो इसके बारे में। और सोच कह रहे हो, काम करो, एक एक दिन को टारगेट करो, एक एक दिन को, आज का दिन टारगेट करो। कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत, आज। फिर जब कल सुबह रहो फिर टारगेट करो, और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो, कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूं। आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है। एक एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले जाओगे, और 6 महीने बाद, फिर साल भर बाद क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी? दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है एक्सपीरियंस। इसलिए जब तुम अपने दोस्त को अपने घर लेकर आते हो ना, लड़का या लड़की, तो तुम्हारा बाप 1 मिनट में स्कैन कर देता है, चाहे सामने वाला जितनी नाटक करे, जी अंकल जी। एक मिनट से ज्यादा नहीं लगता। वो है एक्सपीरियंस। इसलिए तुम दुनिया में पढ़ाई कहीं भी कर लो, कीमत एक्सपीरियंस की होती है। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा एक्सपीरियंस। अनुभव एक अलग चीज है ना। इसीलिए जब गरीब आदमी कहता है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, तुम कमा भी नहीं पाओगे। भैया अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम शराब नहीं पिएंगे। हाँ, पता है मुझे, आएगा ही क्यों? पैसा आएगा ही उनके पास जिनके पास तमन्ना है। पैसा किनके पास नहीं आता जो बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हैं? पैसा आएगा तो हॉस्पिटल खुलवा देंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। मालिक को लगता है जिंदगी भर सबको बेवकूफ बना रहा, हमें भी बना रहा है। तुम्हारे जो दिल में है ना, वही जाके मंदिर में कहा करो, तुम्हारी हर बात कबूल होगी। भगवान को बेवकूफ मत बनाओ, जाके मंदिर में कहो कि 2 करोड़ रुपया दे दोगे तो लुटाएंगे डेली शाम को, ऐसे ऐसे बैठ के, तो कम से कम वो तुम्हारी ईमानदारी में फिदा हो जाएगा कि यार शानदार आदमी है, दे दो। तुम इंसान को तो बेवकूफ समझते ही हो, भगवान को भी समझते हो। अगर आईएएस बन गए तो गरीब लड़कों को पढ़ाएंगे, पढ़ लेंगे गरीब लड़के, कोई गरीब नहीं है इस दुनिया में। तुम ठेका मत लो पूरी दुनिया का,